नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। आज हम आपके 24 घंटे के बारे में कुछ सावधानियां बताने वाले हैं। दोस्तों, कई बार आप अपने जीवन में ऐसे कार्य करते हैं जो अनुचित यानी कि गलत होते हैं, लेकिन इसका अभाव आपको नहीं होता है। दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जो अगले 24 घंटे में आपकी ज़िंदगी में उथल फुथल मचा देगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। दुश्मन की रस्सी जलेगी पर बल नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें, हमारे ज्योतिष कार्यक्रम का उद्देश्य आपके राशि वालों को सचेत करना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इन बातों को आप अपने तक रखिएगा। याद रखें कि आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत बनानी है। लोग आपको बहुत बुरा भरा कह चुके थे, लेकिन आपने फिर भी हार नहीं माना। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके इसी जुनून और इसी ताकत को अब हथियार आपको बना लेना है, क्योंकि किस्मत आप पर मेहरबान है। और दोस्तों, वह लोग भी अब जलने लग जाएंगे जो दोस्तों आपके दुश्मन हैं। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन के बाप को भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि समय ही कुछ ऐसा चल रहा है। दोस्तों, आपकी अब मजे आने वाले हैं। गली मोहल्ले में आपके ही नाम के चर्चे गूंजेंगे। लोग भी देख करके कहेंगे कि वाह, क्या नसीब बदल गया, काश मेरा भी नसीब ऐसा होता। हर कोई यही कल्पना करेगा कि काश मेरा भी नसीब ऐसा ही होता। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप आज तक जितने भी प्रकार की मुसीबतों का आपने सामना किया है, जितना भी आपने दुख देखा है, वह दोस्तों सभी आपके लिए यूँ समझ लो कि ऐसी परीक्षा की घड़ी थी जो कि दोस्तों अब बीत चुकी है। और इतनी कड़ी परीक्षा को पार करने के बाद में आपकी किस्मत का सुनहरा दरवाज़ा खुल चुका है। आप तरक्की के बहुत नज़दीक पहुँच रहे हैं। बस कुछ कदम आपको ध्यान रख कर के चलना है, उसके बाद पूरे गली मोहल्ले में आप ही का गुणगान होगा। आपको बता दें, यह समय आपकी कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद में आपको फल मिल रहा है, और यह आपके कर्मों का एक ऐसा फल है जो अब जीवन में आपको बदलाव लाएगा। लेकिन आपको इस समय कुछ बातों का बस ध्यान रखना है। अब कुछ कदम बहुत ही फूक फूक कर आपको रखने होंगे। इसके बाद आप खुद ही अपनी किस्मत का बड़ा चमत्कार देखोगे और भगवान का आप शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थकोगे। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो कि दोस्तों आज से पहले आपको कभी नहीं मिली होगी। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय अति महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, जो कि दोस्तों आप साधारण मत समझिएगा। आपकी अब किस्मत का हजार गुना तेज साथ मिलने वाला है। और दोस्तों, आपके जितने भी सपने थे जो टूट कर बिखर रहे थे, जिन चीज़ों की आप उम्मीद छोड़ चुके थे, अब उन चीज़ों से आपको ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आपको आज के इस वीडियो को पूरे ध्यान पूर्वक देखना होगा, क्योंकि आपका यह समय एक एक कदम बहुत ही सोच समझकर करना के लिए चलना होगा। गलती नहीं करनी है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, जितने भी महाबली महाशक्तिशाली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने में आपको एक भी रुपये नहीं देना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो हमारी मेहनत का फल हमें मिल जाएगा और आपके कर्म बहुत अच्छे रहेंगे। यदि आप अपने मन में गलत भावना रखकर वीडियो को एक सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं आप लोगों के राशि में कुछ बड़े परिवर्तनों के साथ में। दोस्तों, मांस मछली आदि को त्याग दीजिए और अपने घर को साफ कर लीजिए। महावीर बजरंग बली का दोस्तों आप लोगों को आवाहन करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है। दोस्तों, करियर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको काफ़ी अच्छी सफलता मिल सकती है। सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। रुके हुए कार्य, इस समय सारे के सारे कार्यों में गति आएगी। आपके घर के माहौल में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवताओं की विशेष कृपा बरस रही है। आपके घर के सारे आर्थिक कमजोरियां खत्म होंगी। घर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या चल रही है वह सब अब दूर होने वाली हैं। दोस्तों, स्वयं संकट मोचन हनुमान जी बनाने वाले हैं और आपके जीवन में
कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे, आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय अंतराल से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से दोस्तों आज आपको राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ में चल रहा कोई भी विवाद दूर होने से संबंध पुनः दूर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में दोस्तों आज हड़बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्या ही उत्पन्न होंगी और ये समय खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ दोस्तों, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी आपको मिलेंगे, इसीलिए मेहनत करते रहें, आपकी जीत निश्चिंत है। रुका हुआ पैसा मिलने के भी योग बन रहे हैं, इसकी कोशिश करते रहें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहने वाला है। प्रेम संबंधों के मामले में भी दोस्तों आपको सचेत रहना है। महिलाएं घर की संपत्ति अर्थात लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहां मां लक्ष्मी उस घर से अपना नाता तोड़ देती हैं। दोस्तों शास्त्रों में वर्णित है कि घर की महिला सर्वगुण संपन्न हो तो उस घर की सुख समृद्धि निश्चित होती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भाग्यशाली होते हैं ऐसे घर जिन घरों की महिलाओं में कुछ विशेष गुण विद्यमान होते हैं। उस घर में लक्ष्मी को बुलाने के लिए निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उस घर की महिलाएं ही लक्ष्मी का रूप होती हैं। दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया है। इसके बाद भी लोग कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वह अपना और अपने परिवार को एक खुशनुमा जीवन दे सकें, जरूरतों को पूरा कर सकें। वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कम मेहनत करते हैं फिर भी सफल हो जाते हैं। भगवान गणेश देवों के देव, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। श्री गणेश समृद्धि, बुद्धि और सफलता देने वाले और जीवन से बाधाओं को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। बुधवार का दिन श्री गणेश जी को समर्पित है। वह इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी भक्तों पर प्रसन्न होकर उनके दुखों को हरते हैं, सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश स्वयं वृद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता हैं। यदि वह प्रसन्न हो जाएं तो अपने भक्तों की बाधा तुरंत रोग दोष तथा दरिद्रता को भी दूर कर देते हैं। आपने देखा ही होगा कि अक्सर लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर या फिर गणेश जी के पूजन के समय शुभ लाभ लिखते हैं कि आखिरकार क्यों लिखते हैं और आखिरकार क्या है इसका भगवान गणेश जी से संबंध जानते हैं। शास्त्रों और ग्रंथों में दोस्तों जीवन यापन को सरल और यापन बनाने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के पालन करने से परिवार में सुख शांति के साथ समृद्धि भी बढ़ती है और इसका लाभ पीढ़ियों तक मिलता है। आज दोस्तों हम आपको शास्त्रों में बताए गए कुछ ऐसे काम की जानकारी देने वाले हैं जो आपके घर में खुशहाली और एकता के साथ समृद्धि भी लेकर आएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं शास्त्रों में बताए गए इन खास नियमों के बारे में। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया है, इसके बाद भी लोग कड़ी मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बता दें कि प्राचीन ग्रंथों में जीवों से जुड़े हुए कई शुभ और अशुभ संकेतों का उल्लेख मिलता है। इन संकेतों को दोस्तों पहचान कर आने वाली मुसीबतों से बचा जा सकता है। हालांकि हर बार ये संकेत अशुभ नहीं होते हैं, ये शुभ भी होते हैं। ज्योतिष व शकुन शास्त्र में जीवन से कई ऐसे संकेतों का उल्लेख मिलता है जो मनुष्य को आने वाली विपदा से सावधान करते हैं। हालांकि कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन यह संकेत काफ़ी हद तक सही होते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए, इससे बनता कार्य बिगड़ जाता है। ये इशारा भी होता है कि यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो ना जाएं, अन्यथा दुर्घटना होने के संकेत बन सकते हैं। घर या फिर उसके बाहर बिल्ली बार बार आपको रोती हुई दिखाई देती है तो ये घर परिवार पर आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत है। दोस्तों किसी ज़रूरी कार्य से बाहर जा रहे हैं, रास्ते पर लड़ती हुई बिल्लियाँ दिखाई दें तो समझ जाइए कि काम नहीं बन पाएगा। माना जाता है कि यदि यात्रा पर जा रहे हैं और बिल्ली मुंह में मांस का टुकड़ा दिखाई दे तो दोस्तों कार्य सफल हो जाएगा। हिंदू धर्म में दोस्तों गाय को माता का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि गाय के भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है। गाय की पूजा करने वह उसे चारा या रोटी खिलाना लाभकारी होता है। गाय भी हमें शुभ संकेत देती है। मान्यता है कि अगर आपके दरवाजे पर गाय जोर जोर से रंभाती है तो यह संकेत है कि कोई सुखद समाचार मिलने वाला है।
दोस्तों ये धन लाभ व सुख में वृद्धि का भी सूचक माना जाता है। यदि रास्ते में गाय मूत्र विसर्जन करती हुई दिखाई दे तो यह संकेत है कि आने वाली विपत्ति टल गई है। कुत्ते से भी शुभ अशुभ प्रभाव जुड़े हैं। यदि आपके पास कोई कुत्ता आकर लेटने लगे तो यह संकेत है कि कुछ अच्छा होने वाला है। यदि घर के बाहर कुत्ता मुख करके सोए तो दोस्तों घर पर कोई विपत्ति आने वाली है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले पौधे होते हैं। सकारात्मक पौधों को घर में या फिर घर के आंगन में लगाने से धन सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं ऐसे 5 पौधों के बारे में जो आपके जीवन में धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करके आपको करोड़पति बना सकते हैं। नंबर 1, लक्ष्मणा या फिर सफ़ेद पलाश। दोस्तों ये पौधा बहुत दुर्लभ माना जाता है। हालांकि यदि आपको ये कहीं से भी मिल जाए तो इसे आप अपने घर के आंगन या फिर गैलरी में ज़रूर लगाएं। मान्यता है कि लक्ष्मणा का पौधा भी धन लक्ष्मी को आकर्षण करने में सक्षम होता है। घर में किसी भी बड़े गमले में इसे उगाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस किसी के भी घर में सफ़ेद पलाश और लक्ष्मणा का पौधा होता है वह धन वर्षा होना शुरू हो जाती है। नंबर 2, कनेर की 3 तरह की प्रजातियाँ होती हैं। एक सफ़ेद कनेर, दूसरी लाल कनेर और तीसरी पीली कनेर। कनेर के पौधे को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी को सफ़ेद कनेर के फूल चढ़ाए जाते हैं। नारिकल वृक्ष। हिंदू धर्म में नारियल के बगैर तो कोई मंगल कार्य संपन्न तो होता ही नहीं है। पूजा के दौरान कलश में पानी भरकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। ये मंगल प्रतीत है। नारियल का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। नारियल के पानी में पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। इसे पीने से शरीर में किसी भी प्रकार की शून्यता नहीं रहती है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और चंद्रमा दोनों को शुभ ग्रह कहा गया है। कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे होते हैं तब गजकेसरी योग बनता है। इस योग का अर्थ है हाथी पर बैठा शेर होता है। इस योग को राजयोग की श्रेणी में रखा गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है वह बुद्धिमान और दीर्घायु होता है। धर्म कर्म में इनकी रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति जिस क्षेत्र में होते हैं उनमें निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहते हैं। यह योग उन स्थितियों में भी बनते हैं जब गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से 4th, 7th या फिर 10th घर में होता है। ज्योतिष के ग्रंथ शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा और गुरु के बीच संबंध नहीं भी हो और केवल गुरु 4th, 7th या फिर 10th घर में शुभ स्थिति में बैठा हो तब भी गजकेसरी योग बनता है। इस योग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस योग से प्रभावित व्यक्ति पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं। ये दयावान और विवेकशील होते हैं। आमतौर पर इस योग वाले व्यक्ति उच्च पद पर कार्यरत होते हैं। अपने सद्गुणों के कारण मृत्यु के पश्चात भी इनकी ख्याति बनी रहती है। दोस्तों बता दें कि आप लोगों के जीवन में नए परिवर्तन के लिए आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी के जयकारे लगाना ना भूलें। दोस्तों जय माँ लक्ष्मी आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या को दूर करेंगी।